भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है उस पार्टी से मिलके, एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं तीन तीन बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं? और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फिकवा देंगे? वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फिकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, ये उसका अपमान है जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, ये उसका अपमान है। एक गैर निर्वाचित व्यक्ति एलजी जो भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा दिल्ली में सिर्फ इसलिए बैठाए गए हैं कि दिल्ली का काम रोकना है, दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर दिन अपमानित करना है, वो एलजी एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दे रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है दिल्ली में? सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया, भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। केजरीवाल जी ने चाबी नहीं दी, केजरीवाल जी ने घर नहीं खाली किया। मैं आज फिर से पढ़ के सुनाता हूं, ये प्रमाण है उस बात का कि केजरीवाल जी ने घर खाली किया। और जब घर खाली किया जाता है, सारी चीजों की जांच के बाद यह प्रमाण दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह घर खाली किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ? यह जीएडी डिपार्टमेंट का पत्र है, ये लिख रहे हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैज वैकेटेड द गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑन डेटेड 4 अक्टूबर को उन्होंने घर खाली कर दिया आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड हैज नो ड्यूज पेंडिंग अगेंस्ट हिम रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस एंड टेलीफोन बिल्स टिल डेट। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया।
ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि सीएम हाउस में, सीएम हाउस की फिर चाबी सौंप दी गई रविवार को आतिशी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। उन्होंने अपना सामान वहां पर रख दिया, आप लोगों ने दिखाया भी टीवी पे कि उनका सामान रख दिया गया। उन्होंने कैंप कार्यालय में वहां मीटिंग भी कर ली, उसके बाद जबरन दादागिरी एलजी के द्वारा, जबरन गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबरन मकान खाली कराया जाएगा, जबरन सामान फिकवाया जाएगा। जब दिल्ली के एलजी अपने राजनिवास में आए थे तो क्या पुराने एलजी से इन्वेंट्री ली गई थी उनके आने से पहले? तो ये मैं समझता हूं कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का, दिल्ली के लोगों के जनादेश का, एक महिला मुख्यमंत्री का, दिल्ली की सरकार का यह अपमान है कि जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीत पा रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पे जबरन कब्जा करना चाहती है। पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास करो, फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास करो, और अब आप ये तमाशा। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? सर, ये सवाल उठाया जा रहा है कि कभी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ मार्क अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे में क्या वो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट या कब्जा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट इस तरह से है आतिशी जी के पास? इसमें दो चीज़ें एलजी हाउस की तरफ से कही गई हैं। पहली बात है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो आवास है वो कहीं ऐसा मेंशन नहीं कि मुख्यमंत्री को ही जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आतिशी हैं उनको AB 17 वाला रोड जो मार्ग वाला जो आवास वो दिया जा चुका है, उन्होंने वो हैंडओवर नहीं किया। तो दूसरा बात, अच्छा एक चीज़ आप बताइए, इनके खुद के सवालों में आप देखिए, अगर आतिशी जी को वो घर, पहली बात वो सीएम हाउस है, शुरू से हम लोग कह रहे हैं घर दिया नहीं गया, तो वो वीडियो जो आप लोगों ने चलाई वो फेक वीडियो थी क्या, जिसमें उनका सामान उनके घर में जा रहा है? सबने दिखाया था, दो छोटे छोटे टेम्पो में उनका सामान जा रहा है। अगर उनका सामान वहां नहीं था, सामान वहां पे उन्होंने रखा तो बगैर PWD विभाग के चाबी दिए बगैर रखा कैसे? तो मैं तो भाजपाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को मानना ही नहीं चाहते, उसके नेताओं को हर दिन अपमानित करने के हथकंडे आप अपनाते हो, और इतना ही नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री का आपने सामान फेंक दिया, उनका मुख्यमंत्री आवास छीनने में लगे हुए हो, लेकिन हमारे काम करने के जज्बे को कैसे छीन सकते हो? हमारा जो दिल्ली के लोगों के लिए समर्पण है वो कैसे छीन सकते हो? केजरीवाल जी की अगुवाई में दिल्ली की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसको कैसे रोक सकते हो? वो बातें तो लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारी सुविधाएं जो दिल्ली के लोगों के दिलों में बसी हुई है उसको कैसे छीन सकते हो? लेकिन ये मां दुर्गे को याद करने का, नवरात्रि का ये समय है, और ऐसे समय में एक महिला मुख्यमंत्री का आपने जो अपमान किया है, मां दुर्गे भी आपको सबक सिखाएंगी, वो भी आपसे बदला लेंगी। जी, जो सर ने सवाल, इसलिए
जो आप कह रहे हैं खाली नहीं किया गया, ये तो प्रमाण है, तो चिट्ठी है, मैंने पढ़ के सुना। जो सर ने सवाल किया था आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया, सवाल इनका ये था कि क्या ये घर आधिकारिक तौर पर अतीशी जी को अलॉट हुआ था, कैसे सामान रखा गया उनका, जबरदस्ती सामान रख लिया, कैंप कार्यालय में कैसे मीटिंग किया उन्होंने, जबरदस्ती कर ली, चाबी उनके पास थी, आपने जवाब दे दिया, चाबी उनके पास थी, चाबी रविवार को उनको पीडब्ल्यूडी विभाग ने सौंपी, ये मानते हुए कि ये मुख्यमंत्री का आवास है, नहीं मुख्यमंत्री है, इनको ऑफिस ये घर मिलना है, उन्होंने चाबी सौंपी। थैंक यू। ये भी 17 के नाम पे अलॉट है, तो ऐसे में एलजी ऑफिस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दो आवास एक समय पे कैसे अलॉट किए जाते। भाई वो शिक्षा मंत्री के तौर पर अलॉट हुआ था, अभी वो मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली की। सर 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी की तरफ से सीएमओ को लिखा गया था कि इस घर में विजिलेंस जांच चल रही है, जो निर्माण का मामला सीएम आवास में चल रहा था, तो उसके बगैर ही कैसे शिफ्ट किया जा सकता है जब तक कि फ्रेश अलॉटमेंट ना हो, ये चिट्ठी लिखी गई थी। देखो ऐसा है, ड्रामे, झूठ, नौटंकी, जबरन कब्जा, गुंडागर्दी, ये सब भाजपा के हथकंडे हैं, और दिल्ली का एलजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। आप मुझे बताइए, एक ऐसे व्यक्ति जो ना तो विधायक है, पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते एलजी साहब दिल्ली से, लेकिन वो पूरी सरकार पे कंट्रोल करेंगे, वो एक निर्वाचित सरकार को चलने नहीं देंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममूल पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141।